स्वागत है आपका सॉफ्टवेर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक रिटेल चेन या होलसेल बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको पेएबल डिटेल को व्यू करना है तो ये वीडियो आपको इस प्रोसेस में गाइड करेगा और आप इसे इजीली प्रोसेस कर पाएंगे एक पेएबल रिपोर्ट यूजर्स द्वारा किए गए पेमेंट्स को ट्रैक और रिकॉर्ड करने के लिए एक रिपोर्ट है जिसे यूजर्स व्यू कर सकते हैं पेएबल रिपोर्ट में बिजनेस की सभी ड्यू बैलेंसेस नेट अमाउंट और पीडीसी अमाउंट इंक्लूड होते हैं साथ ही आप इस रिपोर्ट से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को टेबल के रूप में व्यू कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसके लिए सबसे पहले रिटेल फिर ऑन डेट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं वही रिपोर्ट टाइप में समरी डिटेल मंथ वाइज डे वाइज को सिलेक्ट करते हैं साथ ही सिलेक्ट एप से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जैसे इंक्लूड डेबिट नोट एक्सक्लूड डेबिट नोट शो डेबिट नोट अब रिपोर्ट्स कॉलम में एज ऑन या कंसिडर बिल अप टू में से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और रेफर बाई में एरिया एलोकेशन वेंडर या इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं फिर जरूरत के मुताबिक ऑटो एडजस्टमेंट या कंसिडर पी डी सी एज पेड में टिक मार्क करते हैं वहीं अगर आप ऑटो एडजस्टमेंट में टिक मार्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी एडजस्टेड एडवांस पेमेंट करने के बाद की रिपोर्ट शो होगी अब ओवर ड्यू बाई डेज एंटर करते हैं जहां से आप डिटेल्स को व्यू करना चाहते हैं साथ ही बैलेंस टाइप में डेबिट क्रेडिट या ऑल को सिलेक्ट करेंगे अब आप पर्टिकुलर अकाउंट वेंडर या रेफर बाय को चूज करके रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं अब व्यू बटन पर क्लिक करते हैं और बिलो गिवन स्क्रीन में आप पेएबल डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं अपेबल रिपोर्ट को एरिया वाइज व्यू करने के लिए एरिया सेक्शन पे क्लिक करके रीजन एरिया लोकैलिटी कस्टमर आदि को सिलेक्ट करेंगे फिर व्यू बटन पर क्लिक करते हैं वहीं सिलेक्टेड ऑप्शन के मुताबिक डिटेल्स शो हो जाएगा अपेबल रिपोर्ट को स्टेशन वाइज व्यू करने के लिए स्टेशन वाइज पे क्लिक करके कंट्री डिस्ट्रिक्ट कस्टमर स्टेट आदि को सिलेक्ट करके फिर व्यू बटन पर क्लिक करते ही लेक्टेड ऑप्शन के मुताबिक डिटेल्स शो हो जाएगा अब जानते हैं पेएबल रिपोर्ट को एनालाइज करने के बारे में यह रिपोर्ट पाइवर टेबल से सिमिलर है जिसमें आप ड्यू पेमेंट अमाउंट डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एनालिसिस सेक्शन पे क्लिक करके सेम डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसे आपने होम सेक्शन में सिलेक्ट किया था फिर व्यू बटन पर क्लिक करते हैं इसके बाद चूज फील्ड टू एड टू रिपोर्ट के ऑप्शन पर टिकमार्क करने पर ऑटोमेटिकली बिलो गिवन एरिया में फिल हो जाएगा साथ ही एनालिसिस ग्रिड सेक्शन में डेटा शो हो जाएगा वही रिपोर्ट्स को चार्ट फॉर्म में व्यू करने के लिए चार्ट टैब पर क्लिक करेंगे यहां आपको सभी डिटेल्स के साथ रिपोर्ट का चार्ट शो हो जाएगा आप रिपोर्ट को बाकी सभी डिटेल्स के साथ रॉ डेटा में भी व्यू कर सकते हैं अब रॉ डेटा पे क्लिक करके आप पेएबल्स रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं आपको बता दें

हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू